गुना में दलित दंपत्ति के साथ हुई घटना पर शुक्रवार को भी सियासत का पारा हाई हो गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि सौदे से बनी सरकार से प्रदेश नहीं संभल रहा है। कमलनाथ के वार पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आधार बनाकर सियासत की, जबकि हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार के समय हुई घटनाओं को लेकर उस पर हमला बोला। मध्य प्रदेश आपराधिक प्रदेश बन रहा है, आपराधिक देश की आपराधिक राजधानी बन रही है। ये आज हम जनता, मध्य प्रदेश की जनता गवाह, हमारे सबसे कमजोर वर्ग पर किस प्रकार का हमला रोज होता जा रहा है। बहुत सारी बातें तो उजागर नहीं हो रही, बड़ी दुख की बात है। ये सरकार जो है, जो सौदे से बनी है, जो सरकार बोली से बनी है, इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा। ये इस्तीफा दें घर बैठे और प्रदेश को बचाने का हम सब प्रयास करेंगे। मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ, सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसी के घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया और कांग्रेस की सरकार उसका इलाज तक नहीं करवा रही थी। घटना को दबाने की कोशिश की इनने, केवल एक घटना नहीं है, शिवपुरी में अनुसूचित जाति के दो बच्चों को सोच जाने पर निर्ममता पूर्वक पीट पीट कर मार दिया गया था, पीट पीट कर मार दिया। तब उन अबोध बच्चों की चीखें ना तो कमलनाथ को दिखाई दी, ना कांग्रेस को दिखाई दी। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तब भी कमलनाथ सरकार जगी नहीं। अलीराजपुर में पानी मांगने पर अनुसूचित जनजाति के भाइयों को सरेआम पेशाब पिलाई गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय भी नहीं जगी। किस कानून और व्यवस्था की बात कांग्रेस के मित्र करते हैं, हमने तो कार्रवाई की। धार में किसान की सरेआम मॉब लिंचिंग हुई, सड़क पर पत्थर और लाठियों से कुचल कुचल कर किसानों को मार दिया गया, तब ये सरकार खड़ी खड़ी देखती रही।